हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 3 एग्जांपल 3.6 करंट इलेक्ट्रिसिटी का। साथ ही ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2004 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन है, 212 इक्वल वायर ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर जॉइंट टू फॉर्म अ क्यूब। मतलब हमारे पास पांच वायर हैं जिसे मिला करके क्यूब बनाया जा रहा है। द रेजिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटली डायगोनल कॉर्नर ऑफ द क्यूब विल बी, यानी कि जब आप मान लीजिए इस तरह का एक क्यूब बना लीजिए, कोई क्यूब बना रहे हैं तो इसके कोई भी दो अपोजिट कॉर्नर ले लीजिए। मान लीजिए एक कॉर्नर ये हो गया और इसका अपोजिट कौन सा आएगा, ये वाला है, ठीक है। तो इनके अपोजिट जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। और अगर एनसीईआरटी क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी यही फाइंड करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा और ये भी बताना है कि करंट कितना होगा जो कि हर एक एज में जा रहा होगा। और इसमें आपको गिवन है कि 10 वोल्ट की जो बैटरी है उसको हमने इसके अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है जो डायगोनली अपोजिट है। तो आप इस क्यूब को भी कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पर जैसे क्यूब है, इसमें हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 1 ओम। और इसमें हमें कुछ इसमें सिर्फ हमें आप दे रखे तो मार्केट में ले आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले आप ये ज़ूम कर लीजिए कि बैटरी से कुछ करंट जा रहा है, ठीक है। अभी जो करंट जा रहा है इसको यहाँ पर तीन रास्ते मिले, मतलब तो ये ऊपर भी जाएगा, ये यहाँ पर भी जाएगा और यहाँ पर भी जाएगा। तो ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो, इसलिए हम मान के चलेंगे कि लेट यहाँ से 3I करंट जा रहा है। जब इसको तीन रास्ते देखे, अब यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस जंक्शन पर। तो यहाँ पर 3I टोटल था, तो आई इधर, आई इधर और आई इधर चले गया, ठीक है। अब जब ये यहाँ पर आएगा तो फिर से इसके पास दो रास्ते होंगे करंट के पास, एक इधर साइड जाने का और एक इस तरफ जाने का। तो आई फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कितना, I/2 और I/2, ठीक है। इस तरह से ये जो आई यहाँ से निकला है इसके पास भी दो रास्ते हो जाएंगे जाने के लिए, एक I/2 और एक I/2। अभी जो I/2 होगा और I/2 होगा, ये दोनों जुड़ करके फिर इस तरफ आएंगे, यानी कि कितना हो गया, आई। ऐसे ही आप यहाँ पर देखो, ये आई करंट है। अब इसके पास भी दो रास्ते हैं, एक ए और एक ए, तो ये I/2 और ये भी I/2, ठीक है। फिर यहाँ से ये I/2 आ रहा है और ये I/2 आ रहा है, तो ये इस तरफ कितना हो जाएगा, आई। और फिर से ये तीनों जुड़ करके यहाँ से आई, आई और आई, ये फिर से जुड़ करके यहाँ पर वापस कितना आ जाएंगे, 3I। यानी कि जितना इनपुट करंट हम दे रहे हैं उतना ही आउटपुट करंट अगर आपकी कैलकुलेशन में आ रहा है तो आपने यहाँ पर सब कुछ अच्छा किया हुआ है। अब हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले कोशिश करेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकें, तो उसके लिए मैं अप्लाई करूंगा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, KVL। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया 3I करंट टोटल था और फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये KCL कहलाता है, कि किरचॉफ करंट लॉ, कि जो भी करंट है यहाँ पर वो तीनों जंक्शन पर इक्वली डिवाइड हो जाएगा। मतलब डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टेंस यहाँ पर इक्वल जा रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस सबके बराबर है, ये तो रेजिस्टेंस के रेशियो के हिसाब से जाता है, ठीक है। तो KVL और KCL यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। अब हम अप्लाई करेंगे KVL, लेकिन कौन सी लूप में, तो आप इस चीज को समझना, ताकि कैलकुलेशन आसान हो। तो हम एक लूप कंसिडर करके चल रहे हैं और ये लूप है कुछ इस तरह, मतलब यहाँ से शुरुआत हो रही है ऐसे वाली, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको ग्रिड मार्कर से। हम इस लूप में अपनी KVL इक्वेशन को अप्लाई करेंगे इस लूप में, ठीक है। यानी कि इन लूप ए बी सी, यहाँ तक आ गया, अब सी डैश और फिर यहाँ पर ई मान लेते हैं इस पॉइंट को, और फिर से कितने पे आ गया, एक पॉइंट पर, ठीक है। इन दिस लूप अप्लाई KVL, इस पर KVL आप अप्लाई कीजिए। तो KVL जब आप अप्लाई करते हैं तो किसी भी एक पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए, मैं स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर मान रहा हूँ इस तरफ, ठीक है। अब इसके क्रॉस आप अगर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो वोल्टेज पॉजिटिव लो। तो जैसे यहाँ पर आई है और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, हम अभी के लिए आर्क मान के चल रहे हैं, तो आई आर यहाँ से पोटेंशियल आ गया, ठीक है। एक्चुअली केवल कहता है कि जो भी एक कंप्लीट लूप है उसमें जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस है उन सबका सम कितना आएगा, 0। तो सबसे पहले आई आर आ गया, अब इसके बाद यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रही है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा आर इंटू में I/2, क्योंकि बी इक्वल टू आई आर होता है ना। अब ऊपर आ जाओ, यहाँ पर करंट कितना, आई, तो प्लस में आई इंटू में रेजिस्टेंस आ रही है, सबका बराबर है, आई आर इक्वल टू, अभी इक्वल टू नहीं, अभी और आगे चलते हैं। तो आर, अब देखो जब इसके बाद आप आओगे तो यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला, अब बैटरी मिल गई। तो जब भी बैटरी से एनकाउंटर हो आपका, तो सबसे पहले आप ये देखो कि जब आप ऐसे आ रहे हो तो आपको पहला टर्मिनल कौन सा मिला, नेगेटिव, तो
तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लिख लीजिए, -10 और इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसी को सोल्व करना है आई और आर के टर्म में। तो अब देखिए यहाँ पर, या अभी के लिए मैं जनरल कर देता हूँ, 10 ना मान करके ना मैं ईएमएफ लिख देता हूँ, ईएमएफ ई, बाद में हम उसको 10 लिख लेंगे ताकि जनरली आप सोल्व करो, क्योंकि इस क्वेश्चन को भी हम इसमें डील कर रहे हैं। तो आई आर प्लस आई आर कितना हो जाएगा, 2 आई आर, 2 आई आर प्लस ये कितना है आई आर अपॉन में 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा ईएमएफ, इसको मैं इस तरफ ला रहा हूँ। तो आई आर कॉमन ले लो तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 आएगा, जिसको आप लिख सकते हो 5 अपॉन में 2 इंटू में आई आर इक्वल टू ई। तो हम कह सकते हैं जो बैटरी का ईएमएफ है वो बराबर होगा 5/2 ऑफ आई इंटू में आर। अच्छा स्मॉल, ये जो आर है ये क्या है, ये ईच रेजिस्टेंस है, और हमें निकालना है टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब जब भी आप टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आर इक्विवेलेंट बराबर होगा टोटल ईएमएफ कितना है यानी कि इक्विवेलेंट अपॉन टोटल करंट कितना है यानी कि आई टोटल, ठीक है, या आई इक्विवेलेंट। अब ईएमएफ तो हमें पता है, ईएमएफ अभी हमने निकाला है टोटल, वो किसके बराबर है 5/2 इंटू आई इंटू में आर के अपॉन आई टोटल। तो देखो बैटरी से जो टोटल करंट निकल रहा था 3 आई, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे 3 इंटू में आई, तो आई से आई कैंसिल हो गया, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो 5 आर अपॉन में 6, 5 आर अपॉन में 6, तो ऑप्शन मिला कोई, हाँ 5/6 इंटू आर, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 1, तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारा 5/6, ठीक है, वो यहाँ पर भी था, आर की वैल्यू 1 है। तो हमारा जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा इस पूरे अक्रॉस, देखो मैंने अपोजिटली कॉर्नर मान लिया था, उसी से आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 5/6 ऑफ ओम। इसके बाद अब हम निकालेंगे कि कितना करंट यहाँ से जा रहा है और इस ब्रांच में कितना करंट है, तो इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, करंट फाइंड करेंगे अब हम। तो देखिए करंट के लिए यहाँ पर इक्वेशन हम ये अप्लाई कर सकते हैं, जो टोटल करंट है 3 आई है, ठीक है, वी इक्वल टू आई आर होता है, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा वी अपॉन में आर। तो अब मैं इक्विवेलेंट करंट यहाँ पर रख रहा हूँ 3 आई, तो ये बराबर होगा टोटल ईएमएफ कितना है 10 है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है यानी कि आर इक्विवेलेंट वो कितना है 5/6, अभी हमने कैलकुलेट करा 5/6, मैंने यहाँ पर देखो आप ये टोटल ईएमएफ और ये टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो बराबर होगा करंट के, करंट कितना निकल रहा है 3 आई। ओके अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 इंटू में 6 अपॉन में 5, तो यहाँ से जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 आई इक्वल टू 60 अपॉन में 5, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 2, और ये आ जाएगा 12, ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 एम्पियर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस ब्रांच में देखो, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए, हमने माना था कि बैटरी से जो करंट निकल रहा है वो है 3 आई, ठीक है, तो बैटरी से अब देखो आई की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो यहाँ से 3 इंटू 4 करेंगे तो टोटल जो करंट है वो 12 एम्पियर निकल रहा है। जब ये 12 एम्पियर निकल रहा है तो यहाँ पर आई आ रहा है, तो आई की वैल्यू कितनी आई 4, तो ए बी ब्रांच में करंट कितना हो जाएगा 4, इसी तरह से ए डी ब्रांच में करंट कितना हो जाएगा 4, इसी तरह से ए और ए डैश में कितना हो जाएगा 4 एम्पियर करंट। जब ये यहाँ पर आ गया तो इसके हाफ हाफ डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर कितना करंट बचेगा 4 का आधा मतलब 2 एम्पियर, इसमें भी कितना आ जाएगा 2 एम्पियर करंट ए डी में। अब जब ये यहाँ पर आ गया तो फिर से आई हो गया, पर आई की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पर यानी डी डैश और सी डैश में करंट कितना हो जाएगा 4 एम्पियर, इसी तरह से बी सी बी डैश सी डैश में कितना हो जाएगा 4 एम्पियर, सी डैश और सी में आई के बराबर है तो वो 4 एम्पियर, और बी डैश बी में आई अपॉन 2 है तो 2 एम्पियर, तो इस तरह से, और डी और सी वो भी कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, इसी तरह से डी डैश और डी वो भी कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। तो लगभग हमने हर ब्रांच में करंट फाइंड कर लिया है, लेकिन मेन जो कंसेप्ट था वो ये था कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैसे हमने इस एक्सटीरियर लूप में अप्लाई किए। देखो इंटीरियर में भी आप अप्लाई कर सकते हो, पर चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, तो आप एक्सटीरियर में अप्लाई करो, सीधा आपका आर इक्विवेलेंट और ईएमएफ में एक रिलेशन आएगा, मतलब ईएमएफ और आर में एक रिलेशन आएगा, फिर आर इक्विवेलेंट हो जाएगा ई इक्विवेलेंट अपॉन आई टोटल जो कि 3 आई था, ईएमएफ हमारा दे रखा है बैटरी का 10 वोल्ट है, ठीक है, तो यहाँ से
हमने आई की वैल्यू रखी तो रेजिस्टेंस आ जाएगा 5R/6, रेजिस्टेंस आ गया 5R/6 यहाँ पर भी और इसमें भी। फिर टोटल करंट यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई टोटल बराबर होगा ए इक्विवेलेंट अपन आर इक्विवेलेंट के। तो टोटल करंट कितना था, 3I, ए इक्विवेलेंट मतलब 10, आर इक्विवेलेंट मतलब 5/6। तो यहाँ से 3I की वैल्यू कितनी आ गई, 12, और आई की वैल्यू कितनी आ गई, 4 एम्पियर। और उसके अकॉर्डिंग हमने जितनी भी ब्रांच में करंट हमें चाहिए था वो हमने फाइंड किया हुआ है। आई होप कि क्वेश्चन ही आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे उसे भेज सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए बाय एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।